हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर अ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर्स रीड्स एंड प्रोसेसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट इट मीज डैड कि कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को Input is entered into computer through an input device like keyboard, and output is received through output device like printer. Computer can vary in size, speed, and capacity depending on circuit, but it has the same functional organization which is shown in figure. Computer can vary kar sakte in terms of size, in terms of speed, and in terms of capacity. डिपेंड अपॉन सर्किट बट इसका जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम होता है ये फिगर देखो ये ब्लॉक डाइग्राम है कम्प्यूटर का कंप्यूटर की थ्री असेंशियल यूनिट होती हैं फर्स्ट इज इनपुट यूनिट सेकेंड इज सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट थर्ड इज आउटपुट यूनिट सीपीयू इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इट्स मेन फंक्शंस इज टू एक्जीक्यूट प्रोग्राम्स सीपी यू कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट यूनिट्स मेमरी यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये वो यूनिट है जहाँ पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस होती हैं जो सी यू है वो है कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर जो एम बी यू है उसे हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं इट इज यूज़ टू स्टोर एंड रिट्राइव इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्राइमरी मेमरी में और सेकेंडरी मेमरी में नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है देयर आर थ्री असेंशियल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की थ्री असेंशियल यूनिट्स होती हैं कौन कौन सी फर्स्ट इज़ इनपुट यूनिट सेकेंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ सी पी यू थर्ड इज आउटपुट यूनिट अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वर्किंग एज शोन इन फिगर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कैन बी एक्सप्लेन एज जैसे मैंने आपको पीछे फिगर दिखाई है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है डेटा इज एंटर थ्रू इनपुट यूनिट एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड इज कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट जो डेटा है वो एंटर होएगा इनपुट यूनिट से फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड से मैंने डेटा को एंटर किया है और वो कंट्रोल होगा बाई सी यू कि कंट्रोल यूनिट से जो कंट्रोल यूनिट है वो सेंड करेगी दिस डेटा को टू मेमरी यूनिट एम यू कंट्रोल यूनिट यानी कि सी यू सेंड करेगी उसी डेटा को एम यू को यानी कि मेमरी यूनिट को टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल रैम में हमें सेंड कर दिया है कंट्रोल यूनिट सेंड दिस डेटा टू मेमरी यूनिट फॉर एग्ज़ाम्पल रैम में फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए हमने सेंड कर दिया है ये जो टेम्प्रेरी स्टोर डेटा है उसे हम सेंड कर देंगे ए एल यू को यानी कि आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को सेंड कर देंगे फॉर प्रोसेसिंग थ्रू सी यू प्रोसेसिंग करने के लिए सी यू के थ्रू सबसे पहले डेटा जो है वो एंटर होगा थ्रू इनपुट यूनिट और उसे कंट्रोल किया जाएगा बाय कंट्रोल यूनिट के द्वारा अब कंट्रोल यूनिट जो है वो सेंड कर देगी इसी डेटा को मेमोरी यूनिट को फॉर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए फॉर एग्जांपल रैम को सेंड कर दिया उसने और ये जो टेम्प्रेरी स्टोर डेटा है उसे सेंड हो जाएगा एलयू एल यू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को सेंड हो जाएगा प्रोसेसिंग के लिए थ्रू किसके द्वारा होगा मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट को जाएगा कंट्रोल यूनिट से एल को जाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज़ ए एल यू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्रोसेस दिस डेटा एंड देन दिस प्रोसेस डेटा इज सेंड बैक टू एम यू फॉर परमानेंट स्टोरेज दैट इज़ इन हार्ड डिस्क थ्रू कंट्रोल यूनिट अब जो ए एल यू है वो प्रोसेस करेगी इस डेटा को और इस प्रोसेस डेटा को वापस भेजेगी एम यू यानी कि मेमरी यूनिट को फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए किसके थ्रू भेजेगी कंट्रोल यूनिट के थ्रू भेजेगी अब ये जो प्रोसेस डेटा है कैन ऑल्सो बी सेंड टू आउटपुट यूनिट अब इस प्रोसेस डेटा को भेजा जाएगा आउटपुट यूनिट को थ्रू कंट्रोल यूनिट के द्वारा यह हम कह सकते हैं ये जो परमानेंट स्टोर मेमोरी है उसे हम सेंड कर देंगे टू दी आउटपुट यूनिट को और आउटपुट यूनिट क्या करेगी विल गिव द रिज़ल्ट आउटपुट यूनिट हमें जो है वो रिज़ल्ट दे देगी यानी कि कंप्यूटर बेसिकली थ्री पार्ट्स में वर्क करता है फर्स्ट जो है वो इनपुट यूनिट है सेकंड प्रोसेसिंग पार्ट है थर्ड इज आउटपुट यूनिट इट मीन्स डैट कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को जो डेटा है वो एंटर होगा थ्रू इनपुट यूनिट एग्जाम्पल कीबोर्ड और उसे हम कंट्रोल किया जाएगा बाय कंट्रोल यूनिट ये जो कंट्रोल यूनिट है वो सेंड कर देगी इसी डेटा को टू मेमोरी यूनिट फॉर टेंपरेरी स्टोरेज ये जो टेंपरेरी स्टोर डेटा है इसे सेंड किया जाएगा टू एलयू दैट इज एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फॉर प्रोसेसिंग के लिए थ्रू किसके द्वारा भेजा जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजा जाएगा अब ये जो एलयू है इसे प्रोसेस करेगी डेटा को और ये जो प्रोसेस डेटा है उसे वापस भेजा जाएगा मेमोरी यूनिट को फॉर प्रोसेसिंग के लिए किसके द्वारा भेजा जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही भेजा जाएगा अब ये प्रोसेस डेटा जो है उसे भेजा जाएगा टू मेमोरी यूनिट में डायरेक्टली किसके द्वारा भेजा जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही भेजा जाएगा जो आउटपुट यूनिट है विल गिव द रिजल्ट वो रिज़ल्ट देगी यानी कि कंप्यूटर फॉलोस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल तो ये थी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग